चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर में लिखा है, जगन्नाथ लिमिटेड हैड मेड अ राइट इशू ऑफ शेयर्स ऑफ इन 2012। इन ऑफर डॉक्यूमेंट टू इट्स मेंबर्स इट हैड प्रोजेक्टेड अ सरप्लस ऑफ 40 करोड़ ड्यूरिंग द काउंटिंग ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2014। द ड्राफ्ट रिजल्ट्स फॉर द ईयर प्रिपेयर्ड ऑन द हियर द टू फॉलोड अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रेजेंटेड फॉर परयूजुअल ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शोड अ डेफिसिट ऑफ 10 करोड़। द बोर्ड इन कंसल्टेशन विद द मैनेजिंग डायरेक्टर डिसाइड ऑन द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट में सिर्फ इतना लिखा है कि कंपनी है जिसने 2012 में राइट इश्यू किया था शेयर्स का, मेंबर्स के जो ऑफर डॉक्यूमेंट्स है उसमें उसने प्रोजेक्ट किया है, बताया है कि 40 करोड़ तक का सरप्लस होगा कितने साल में, अगले 2 साल में, दैट इज अप टू 31 मार्च 2014। द ड्राफ्ट रिजल्ट्स फॉर द ईयर प्रिपेयर्ड फॉलोड अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रेजेंटेड फॉर परयूजल ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शोड डेफिसिट ऑफ 10 करोड़। उन्होंने तो बोला था कि सरप्लस होगा 20 करोड़ का, बट जो डॉक्यूमेंट्स या जो ड्राफ्ट बना करके रिलेटेड अकाउंटिंग पॉलिसीज जो एक ड्राफ्ट बना करके प्रेजेंट किया गया उसमें सरप्लस की जगह डेफिसिट आ गया 10 करोड़ का। तो द बोर्ड इन कंसल्टेशन विद द मैनेजिंग डायरेक्टर डिसाइड ऑन द फॉलोइंग। अब क्या हुआ कि जितनी हमारी अकाउंटिंग पॉलिसीज बनी हुई थी उस पर डिस्कशन हुआ। पहला ये हुआ कि वैल्यू ईयर एंड इन्वेंट्री एट वर्क कॉस्ट इंस्टेड ऑफ द हेयरदो मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री एट प्राइम कॉस्ट। मतलब अभी तक हम वैल्यूएशन किस पे कर रहे थे, प्राइम कॉस्ट पे, तो हमारी वैल्यूएशन कितनी थी 30 करोड़। अब हम ये सोच रहे हैं इसकी वैल्यूएशन ना करके वर्क कॉस्ट दैट इज फैक्ट्री कॉस्ट पे वैल्यूएशन करें तो वैल्यूएशन आएगी 50 करोड़। हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितने से बढ़ जाएगा, 20 करोड़ से। और अगर हमारा क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीज होगा तो उसका इम्पैक्ट प्रॉफिट पे क्या पड़ेगा बेटा, कि प्रॉफिट भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, सेकेंड पॉइंट देखो लिखा है, नॉट टू प्रोवाइड फॉर द आफ्टर सेल एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द वारंटी पीरियड। टिल द लास्ट ईयर हम क्या करते थे कि सेल्स पे 2% का प्रोविजन बनाते थे। प्रोविजन एट 2% ऑफ सेल्स यूज्ड टू बी मेड यू अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ मैचिंग ऑफ कॉस्ट अगेंस्ट रेवेन्यू एंड एक्चुअल एक्सपेंसेस यूज्ड टू बी चार्ज अगेंस्ट द प्रोविजन। द बोर्ड नाउ डिसाइडेड टू अकाउंट फॉर एक्सपेंसेस एज एंड व्हेन एक्चुअली इनकर्ड सेल्स ड्यूरिंग द ईयर टोटल टू 600 करोड़। पहले हम क्या पॉलिसी फॉलो कर रहे थे कि 2% का अपने सेल्स पे प्रोविजन बना रहे थे, और अब क्या करेंगे, प्रोविजन नहीं बनाएंगे। तो सोचो पहले प्रोविजन कितने का बना रहे थे, 12 करोड़ का। अब अगर हम ये 12 करोड़ का प्रोविजन ना बनाए तो कंपनी का ये 12 करोड़ बचेगा और कंपनी का प्रॉफिट 12 करोड़ से इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट में बोला है कि प्रोवाइड फॉर परमानेंट फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स व्हिच फॉल हैड टेकन प्लेस ओवर द पास्ट 5 ईयर। और अब हमें एक नया प्रोविजन बनाना पड़ेगा फॉर इन्वेस्टमेंट, कितने का, 10 करोड़ का। तो यहां देखो हमारा प्रॉफिट कितने से इंक्रीज हो गया, 30 करोड़ से, और 10 करोड़ से डिक्रीज हो गया प्रॉफिट। क्लियर। लिखा, एज चीफ अकाउंटेंट ऑफ द कंपनी आर आस्क्ड बाय द मैनेजिंग डायरेक्टर टू ड्राफ्ट द नोट्स ऑन अकाउंट्स फॉर द इंक्लूजन इन द एनुअल रिपोर्ट फॉर 13-14। फर्स्ट पॉइंट में जो क्वेश्चन बोला है वो ये चीज कह रहा है कि आप अपने क्लोजिंग स्टॉक के जो वैल्यूएशन है दैट इज इन्वेंट्रीज की वैल्यूएशन का मेथड चेंज कर रहे हो। पहले प्राइम कॉस्ट पे कर रहे थे, अब वर्क कॉस्ट पे कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी होगा। हाँ होगा। जो हमने सेकेंड पॉइंट में डिसाइड किया है कि पहले हम प्रोविजन 2% का बना रहे थे, अब नहीं बनाएंगे। तो पहले हमने बता दिया कि प्रोविजन बनाना या ना बनाना ये अकाउंटिंग पॉलिसी है, बट कैसे किस मेथड से बनाए ये अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है। तो पहले 2% का बना रहे थे, अब नहीं बनाएंगे, तो ये भी क्या है, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। और लास्ट में देखो बोला है कि हम प्रोविजन बनाएंगे, तो पहले हम प्रोविजन बना ही नहीं रहे थे और अब हम 10 करोड़ का प्रोविजन बनाएंगे, तो ये भी क्या है बेटा, अकाउंटिंग पॉलिसी। तो क्योंकि ये तीनों अकाउंटिंग पॉलिसी है तो सिंपली कंपनी को करना क्या है, अगर करंट ईयर में अकाउंटिंग पॉलिसी में कोई भी चेंज हो रहा है जिसकी वजह से करंट ईयर की बुक्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा, तो सिंपली आप मेंशन कर दो कि आपकी ओल्ड पॉलिसी क्या थी, आपकी न्यू पॉलिसी क्या है, किस वजह से आप चेंज कर रहे हो, और चेंज का इम्पैक्ट आपकी बुक्स में क्या पड़ेगा। दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ये जो चेंजेस हो रहा है 20 करोड़ का, 12 करोड़ का, उसका इम्पैक्ट आपको बुक्स में दिखाना है कि वो इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशन कितना इम्पैक्ट डालेगा आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। कई बार क्या होता है कि हम इसकी वैल्यूएशन प्रॉपर नहीं कर पाते हैं, तो अगर वो एसर्टेन नहीं कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो हम उसको सिर्फ मेंशन करके छोड़ देंगे, बट अगर हम उसके अकाउंट को पूरी तरीके से होली और इन पार्ट कैलकुलेट कर सकते हैं तो फिर हमें बुक्स में मेंशन करना पड़ता है कि कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है किसका, चेंज का, मतलब ये जो हमने मेथड चेंज किया है इसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। क्लियर है, क्योंकि क्वेश्चन रिलेटेड है चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी से,
सारा पॉइंट्स हमने दिखाया कि चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है। तो अगर चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है तो सिंपली आपको बस इतना याद रखना है, अगर करंट ईयर में चेंज हो रहा है वो करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इम्पैक्ट डालेगी, तो सिंपली तुम लोग करोगे क्या, ओल्ड पॉलिसी बताना, न्यू पॉलिसी बताना, किस वजह से चेंज किया और कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है। क्लियर? तो यही था हमारा अकाउंटिंग पॉलिसी का क्वेश्चन, जो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ था कि अगर चेंज होती है अकाउंटिंग पॉलिसी में तो आप उसको बुक्स में रिकॉर्ड कैसे करते हो। अब देखो ये क्वेश्चन तुम लोग के लिए टफ क्यों होता है, क्योंकि तुम लोग को यही नहीं समझ में आता कि यहाँ पे चेंज हो भी रहा है या नहीं, अकाउंटिंग पॉलिसी का यहाँ पे एक्चुअल में चेंज हो रहा है या नहीं, तुम लोग को यही नहीं पता होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि तुम लोग प्रैक्टिस नहीं करते प्रॉपर। तो अब याद रखना, क्योंकि यही दो तीन पॉइंट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन में। पहला था कि अगर हमने प्रोविजन के कैलकुलेशन के मेथड को चेंज किया तो वो अकाउंटिंग एस्टीमेट है। बट यहाँ जो तीन पॉइंट था, एक में वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज चेंज हुआ, एक में प्रोविजन बनाना है या नहीं, और दूसरे में भी प्रोविजन नया बना, तो ये सब क्या है, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। चलो अब इसका आंसर लिखते हैं जल्दी से। देखो आंसर फोर, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, जो कि नाम है पूरा पूरा। देखो ये हमने फर्स्ट पार्ट लिखा है जहां पे हमने सिंपली सिर्फ इतनी सी चीज लिखी कि अगर हमारे अकाउंटिंग पॉलिसी में किसी भी तरह का कोई चेंज होता है जिसका कैसा इंपैक्ट पड़ेगा बेटा, मटेरियल इफेक्ट पड़े इन द करंट पीरियड, तो आप उसको डिस्क्लोज कर देना। द अमाउंट बाय विच एनी आइटम इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज अफेक्टेड, जिस जितने अमाउंट से फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारा अफेक्ट करेगा, By such change should be disclosed to the extent ascertainable. जितने लिमिट तक आप उसको ascertain कर सकते हो आप उसको बुक्स में मेंशन कर देना। बट अगर आप ascertain नहीं कर पाओगे तो आप फिर क्या करोगे, देखो यहाँ लिखा है where such amount is not ascertainable wholly or in part, the fact should be indicated. हमें fact mention करना होगा कि एक अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हुई है बट उसकी अमाउंट हम प्रॉपर कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो हम सिर्फ ये मेंशन कर दे रहे हैं कि कौन सी पॉलिसी चेंज हुई है। क्लियर? Naturally, the notes to accounts must disclose changes. जो भी changes हुआ है वो हम कहाँ mention करेंगे बेटा, notes to accounts में। तो simply हम बार बार एक ही चीज कह रहे हैं कि अगर पहले तो आपको ये recognize करना है कि वो accounting policy है या नहीं। अगर वो accounting policy है तो simply अगर accounting policy में कोई भी change हो रहा है जिसका impact हमारे current year के financial statement पे पड़ रहा है, तो आपको उसको books में mention करना होता है। Mention करने के साथ साथ ये आप mention करते हो कि old policy कौन सी थी, new policy कौन सी थी, उसके बाद आप ये भी मेंशन करते हो कि किस रीजन से चेंज हो रहा है एंड कितना इम्पैक्ट पड़ा, नेट इम्पैक्ट कितना पड़ रहा है चेंज की वजह से, वो भी आपको बुक्स में मेंशन करना पड़ता है। बट इफ इन केस वो वैल्यू आप ना कैलकुलेट कर पाओ तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ ये मेंशन कर देना कि ओल्ड पॉलिसी कौन सी थी और न्यू पॉलिसी कौन सी थी। बट ये सारे चेंजेस आप कहाँ लिखोगे बेटा, नोट्स टू अकाउंट्स में। होपफुली ये पॉइंट क्लियर होगा, इसकी नोटिंग कर लो। बाकी जो तीन इसमें पॉइंट्स पूछे हैं उसके आंसर पहले हम बोर्ड पे लिख देते हैं, फिर हम क्लास स्टार्ट करेंगे सो दैट हम उसको प्रॉपर तरीके से समझा सकें, इसकी तब तक नोटिंग कर लो। अब देखो उसके आगे जो नोट्स टू अकाउंट्स में मेंशन करना था वो हमने यहाँ पे लिखा है, इसके ऊपर हम लिखेंगे नोट्स टू अकाउंट्स, जहां लास्ट नोटिंग की थी उसके बाद ही ये चीज लिखनी है। सिंपली तीनों के तीनों चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी थे तो तीनों का डिस्क्लोजर हमें बुक्स में करना है। हाँ तो देखो फर्स्ट पॉइंट जो था उसमें सिंपली ये बोला था कि पहले हम क्या करते थे कि इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करते थे ऑन द बेसिस ऑफ प्राइम कॉस्ट, तो ओल्ड पॉलिसी क्या हुई, प्राइम कॉस्ट। न्यू पॉलिसी क्या है कि हम वर्क कॉस्ट पे, दैट इज फैक्ट्री कॉस्ट पे वैल्यूएशन करेंगे। ओल्ड पॉलिसी की वजह से 30 करोड़ की वैल्यूएशन हो रही थी और न्यू पॉलिसी में 50 करोड़ की वैल्यूएशन हो रही थी, तो हम सबको पता है कि अगर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बढ़ी तो सिंपली क्या हो जाएगा, हमारा करंट ईयर का प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा, होगा। देखो वही चीज हमने लिखा है, चार चीजें लिखनी थी, चौथा कहीं पे भी नहीं लिखा है। रीजन ऑफ चेंज वो मैनेजिंग डायरेक्टर ने खुद डिसाइड किया है, कहीं कुछ चेंज का रीजन नहीं लिखा है, तो हमने भी रीजन मेंशन नहीं किया है। हमने लिखा है टिल लास्ट ईयर इट वॉज प्रैक्टिस ऑफ वैल्यूइंग इन्वेंट्री एट प्राइम कॉस्ट। तो यहां देखो हमने यहां पे ओल्ड पॉलिसी के बारे में बता दिया, बट ड्यूरिंग द ईयर करंट ईयर हमने क्या किया, द सेम वॉज वैल्यूड एट वर्क कॉस्ट, अपनी न्यू पॉलिसी मेंशन कर दी, हाँ कर दी, चेंज कहीं बताया नहीं था कि चेंज का रीजन क्या है। और चेंज से क्या होगा, 20 करोड़ की जो वैल्यूएशन होगी, मतलब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू जो 20 करोड़ से इंक्रीज होगी उससे हमारा प्रॉफिट भी इंक्रीज हो जाएगा। लिखा है ड्यू टू दिस चेंज द क्लोजिंग स्टॉक वॉज वैल्यूड एट 50 करोड़ एंड अकॉर्डिंगली प्रॉफिट वॉज इंक्रीज बाय 20 करोड़। होपफुली ये तुम लोग को पॉइंट क्लियर होगा। क्लियर? अब सेकंड पॉइंट में देखो, कंपनी क्या करती थी कि पहले 2% का प्रोविजन बनाती थी आफ्टर सेल सर्विस, क्योंकि कंपनी को कहीं ना कहीं पता होता था कि हाँ सेल के बाद भी उनको कुछ ना कुछ सर्विस देनी पड़ेगी जो कि बेसिकली फ्री ऑफ कॉस्ट होगी।
क्योंकि वो वारंटी पीरियड के टाइम पीरियड में बोला था, बट हो सकता है कि करंट ईयर में कंपनी ने कुछ इम्प्रूव की हो अपने टेक्निक्स, जिसकी वजह से कंपनी को इस बात की अश्योरिटी है कि अभी 2% की प्रोविजन की जरूरत नहीं है और वारंटी पीरियड में किसी भी तरह की कोई फ्री सर्विस हम लोग को नहीं देनी पड़ेगी। तो कंपनी ने क्या किया, अपना ये प्रोविजन खत्म कर दिया। तो प्रोविजन बनाना या ना बनाना, ये क्या है, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। तो हम यहाँ पे देखो क्या चीज लिखे हैं, इट वॉज अ प्रैक्टिस ऑफ द कंपनी टू मेक प्रोविजन ऑफ 2%। ये कौन सी पॉलिसी है, ओल्ड पॉलिसी है, कि पहले वो प्रोविजन बनाते थे फॉर आफ्टर सेल एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द वारंटी पीरियड। कॉन्सिक्वेंटली द कंपनी टुक डिसीजन नॉट टू मेक एनी प्रोविजन। ये क्या हो गया बेटा, ये हमारी न्यू पॉलिसी फॉर आफ्टर सेल एक्सपेंसेस। इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, 600 लाख पे, 600 लाख है ना सेल्स, उस पे 2%, दैट इज ये जो 12 करोड़ है, अब ये कंपनी का बच जाएगा ना। और कंपनी अगर प्रोविजन नहीं बनाएगी तो कंपनी का प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो उसका इम्पैक्ट फाइनेंशियली जो बुक्स में पड़ेगा वो भी आपको मेंशन करना है। देखो हमने मेंशन किया है, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस चेंज द प्रॉफिट वुड इंक्रीज बाय 12 करोड़। क्लियर है, वही चीज हमने थर्ड पॉइंट में भी लिखा है कि पहले कंपनी को अपनी इन्वेस्टमेंट पे किसी तरह का कोई प्रोविजन नहीं बनाना पड़ता था, बट अब प्रोविजन बनाएगी। तो पहले जो प्रोविजन नहीं बनाती थी वो ओल्ड पॉलिसी है, अब जो प्रोविजन बनाएगी वो न्यू पॉलिसी है। और प्रोविजन की वजह से कितने का प्रोविजन बनाना है, 10 करोड़ का, तो उसकी वजह से उसका प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा। देख लो हमने वही चीज लिखी है, होपफुली पॉइंट क्लियर होगा। ये चीज नोट कर लो आराम से, फिर हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस कैन एन एंटरप्राइज चेंज इट्स अकाउंटिंग पॉलिसी। पहले डिस्कस किया हुआ है, जब कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे थे तब मैं बोला था कि अकाउंटिंग पॉलिसी का को चेंज किया जा सकता है एज पर AS5। इसके जो रीजन है चेंज के वो AS5 में दिए हैं, कि आप फॉर बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या फॉर कंप्लायंस विथ लॉ, या फॉर कंप्लायंस विथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ऐसा कर सकते हो कि अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी आप चेंज कर सकते हो। क्लियर, ये AS5 के अकॉर्डिंग रीजंस 3 दिए हुए हैं। तो सिंपली इसका आंसर कैसे लिखेंगे, बहुत ही सिंपली इसका आंसर लिख सकते हैं, एज पर AS1, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, सर्कमस्टेंसेस वेयर एन एंटरप्राइज कैन चेंज इट्स अकाउंटिंग पॉलिसीज आर, पहला फॉर बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सेकेंड फॉर कंप्लायंस विथ लॉ, एंड थर्ड फॉर कंप्लायंस विथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो ये आंसर इजिली हम लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हेन कैन अ कंपनी चेंज इट्स अकाउंटिंग पॉलिसी, सेम क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 का सेम आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो बेटा, कह रहा मेंशन 6 एरियाज इन व्हिच डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज आर फॉलोड बाय कंपनीज। ऑलरेडी हम बता चुके हैं सेम पैटर्न पे, क्वेश्चन नंबर कौन सा दिया था, 2 दिया था, सेम पैटर्न पे दिया था क्वेश्चन नंबर 2, तो कोई भी 6 उठा के लिख देना, हमने 7 लिखवाए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, रिकॉग्नाइजिंग द नीड टू हार्मोनाइज द डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर फ्रेम्ड, गिव एग्जांपल्स ऑफ एरियाज इन विच डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज मे बी अडॉप्टेड बाई द इंटरप्राइजेस। अगेन सेम क्वेश्चन पूछा है एरियाज के बारे में, जो क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है वही इसका भी आंसर है। क्लियर है, चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बट उसके पहले क्वेश्चन नंबर 5 और 6 का आंसर की भी नोटिंग करा देते हैं जल्दी से, सिंपली क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ इतना सा पूछा था कि अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस कैन एन एंटरप्राइज चेंज इट्स अकाउंटिंग पॉलिसी। तो हम लोग डिस्कस तो पहले कर ही चुके थे कि कब कब आप अपने अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर सकते हो, और उसका आंसर भी हम लोग यहाँ देख लेते हैं। आंसर नंबर 5 और 6 देखो, आंसर लिखेंगे सबसे पहले तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नंबर लिखेंगे, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम लिखेंगे, दैट इज डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, फिर क्वेश्चन में जो दिया हुआ स्टेटमेंट वही यहां कॉपी करेंगे, द सर्कमस्टेंसेस अंडर विच एन एंटरप्राइज कैन चेंज इट्स अकाउंटिंग पॉलिसीज आर एज फॉलोज। अब बस तीनों का नाम यहां मेंशन कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ हमसे रीजन या सर्कमस्टेंसेस पूछा है। हमारा फर्स्ट पॉइंट है फॉर बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, होपफुली ये पॉइंट सबको याद होगा। रीजन बींग हमने नोट्स में लिखवाया हुआ है कि एज पर
AS5, तीन रीजंस होते हैं जहां आप अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी से स्विच कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। पहला था फॉर बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सेकेंड फॉर कंप्लायंस विथ लॉ। अगर मान लो लॉ में कोई चेंज आया जिसकी वजह से, जिसको कंप्लाई करने के लिए, पूरा करने के लिए हमें अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करनी पड़े तो हम करेंगे, एंड थर्ड फॉर कंप्लायंस विथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। कई बार अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में भी कुछ चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से आपको अपनी ओल्ड अकाउंटिंग पॉलिसी से स्विच करना होता है टू न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी। क्लियर है? ये तीन पॉइंट ऑलरेडी हमने आपको नोट्स में लिखवाए हुए थे, इसलिए हमने बोला था कि हम इसका आंसर सेंड करते हैं, बट हम ये लिख दिए हैं। पहले आप इसको नोट कर लो, फिर हम लोग चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। पहले क्वेश्चन रीड कर दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं, और उसके बाद उसका आंसर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है, इन द बुक्स ऑफ मेसर्स प्रशांत लिमिटेड क्लोजिंग इन्वेंटरी एज ऑन 31/3/2015 अमाउंट्स टू रुपीज 1,63,000 ऑन द बेसिस ऑफ फीफो मेथड। द कंपनी डिसाइड्स टू चेंज फ्रॉम फीफो मेथड टू वेटेड एवरेज मेथड फॉर एसर्टेनिंग द कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी फ्रॉम द ईयर 1415 ऑन द बेसिस ऑफ वेटेड एवरेज मेथड। क्लोजिंग इन्वेंटरी एज ऑन 31/3/2015 अमाउंट्स टू रुपीज 1,47,000 एंड उसी डेट पे आपकी रियलाइजेबल वैल्यू, दैट इज नेट रियलाइजेबल वैल्यू और मार्केट वैल्यू भी दी है 1,95,000। डिस्कस डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी एज पर AS1। आप देखो क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, एक ऑर्गेनाइजेशन है मेसर्स प्राइवेट लिमिटेड जिन्होंने अपनी क्लोजिंग इन्वेंट्री को कितने पे दिखाया, 1,63,000 पे, जब वो वैल्यूएशन कर रहे थे फीफो मेथड पे। अब कंपनी ये डिसाइड करे कि हम फीफो मेथड से स्विच कर जाएंगे वेटेड एवरेज मेथड पे, और फिर वेटेड एवरेज मेथड को ही बेस बनाएंगे फॉर 1415 के कैलकुलेशन के लिए। अब अगर हम वेटेड एवरेज मेथड पे ये कैलकुलेशन किए होते तो मेरी वैल्यूएशन कितनी आती है, 1,47,000, और रियलाइजेबल वैल्यू देखो दोनों ही केस में ज्यादा दी है। तो हम लोग हमेशा वैल्यूएशन किस पे करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन हम हमेशा करते हैं कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, विच एवर इज लोअर। तो नो डाउट इसमें रियलाइजेबल वैल्यू की कोई भी रिक्वायरमेंट हमें नहीं है, रीजन बींग वो ज्यादा है किससे, कॉस्ट प्राइस से। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि क्या एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 ये पॉसिबल है कि हम स्विच कर सके। तो हम सबको इसका आंसर पता है कि अगर हम वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज की बात करें, जैसे इस क्वेश्चन में दिया है, अगर हम उसके अकॉर्डिंग बात करें तो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज को अकाउंटिंग पॉलिसीज माना जाता है। एंड अगर हम यहाँ स्विच करें फीफो मेथड से वेटेड एवरेज मेथड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 आप चाहो तो आप स्विच कर सकते हो। रीजन इन तीनों में से कोई भी हो सकता है, बट एज पर AS1 अगर आप स्विच कर रहे हो अपनी ओल्ड पॉलिसी से न्यू पॉलिसी पे, तो आपको किन चीजों का बुक्स में डिस्क्लोजर देना होगा, पहला ओल्ड पॉलिसी, दूसरा न्यू पॉलिसी, तीसरा इन तीनों में से क्या रीजन है स्विच करने का, एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि उसका करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, या करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ऐसा करने से कितना प्रॉफिट का इम्पैक्ट पड़ेगा। क्लियर? इसके अलावा तो और कुछ भी नहीं है। तो बस हम लोग क्या करेंगे अब इस क्वेश्चन में, देखो ये वाले क्वेश्चन में हमारे पास ऑप्शन दिया है कि हम फर्स्ट पैराग्राफ में इसका पूरा कॉन्सेप्ट बता देंगे कि एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, अगर हम चाहें तो हम स्विच कर सकते हैं नई अकाउंटिंग पॉलिसी पे, सिर्फ हमें डिस्क्लोजर देना होगा ओल्ड पॉलिसी, न्यू पॉलिसी, रीजन एंड इफेक्ट का। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में इस क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है उससे कनेक्ट करके लिखेंगे कि ओल्ड पॉलिसी फीफो है, न्यू पॉलिसी वेटेड एवरेज मेथड है, और देखो अगर हम लोग चेंजेस की बात करें तो पहले वैल्यूएशन कितने पे हो रहा था, 1,63,000 पे, और अब कितने पे होगा, 1,47,000 पे। तो यहां से ये जो 16,000 है इससे क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक डिक्रीज होगा। अगर क्लोजिंग स्टॉक डिक्रीज होगा तो प्रॉफिट भी डिक्रीज होगा। बस इसी पॉइंट को हम लोग लास्ट में मेंशन कर देंगे, और रीजन कहीं कुछ दिया नहीं, तो इन तीनों में से आप कोई भी रीजन अज्यूम कर सकते हो। होपफुली ये क्लियर होगा। तो इसका आंसर हम बोर्ड पे लिख दे रहे हैं, फिर हम पूरा आंसर एक बार आपको समझा देंगे। देखो हमने बोर्ड पे पूरा आंसर लिख लिया है, जिसमें हमने फर्स्ट पैराग्राफ में सिर्फ इतनी सी चीज ही मेंशन की है जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में मेंशन थी रिलेटेड टू दिस पॉइंट। लिखा एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, आप प्लीज ऐसे मत लिखना, पूरा नाम लिखना, व्हेनेवर पॉलिसी इज चेंज्ड देन वी शुड डिस्क्लोज ओल्ड पॉलिसी, पहली चीज, दूसरा न्यू पॉलिसी, तीसरा उसका रीजन क्या है, एंड चौथा उसका इफेक्ट। ये चारों पॉइंट्स लिखे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 में, जैसा कि हमने पहले कॉन्सेप्ट सेशन में भी बताया था।
तो फर्स्ट पूरे पैराग्राफ में तो हमने कॉन्सेप्ट मेंशन किया है, फिर देखो सेकंड पैराग्राफ में हमने क्या किया है कि क्वेश्चन को इस कॉन्सेप्ट से कनेक्ट किया और लिखा है कि इन द गिवन केस मेसर्स प्रशांत लिमिटेड हैज चेंज पॉलिसी फ्रॉम फीफो टू वेटेड एवरेज मेथड, हेंस द फॉलोइंग डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड. अब फॉलोइंग डिस्क्लोजर में हमने क्या लिखा है कि कंपनी वॉज वैल्यूइंग इट्स स्टॉक फॉलोइंग फीफो विच हैज नाउ चेंज टू वेटेड एवरेज मेथड. पहले वो फीफो मेथड फॉलो कर रहे थे और अब स्विच करके किस पे, वेटेड एवरेज मेथड पे. दिस चेंज हैज रिजल्टेड इन डिक्लाइन इन इन्वेंट्री. पहले इन्वेंट्री कितने पे वैल्यूएशन हो रही थी, 1,63,000, एंड देन वो डिक्रीज होकर के हो गई 1,47,000. तो यहां हमारा जो 16,000 का डिफरेंस है उससे हमारा क्लोजिंग स्टॉक क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, दैट इज 16,000. अब हम सबको पता है कि क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट का कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है. तो अगर क्लोजिंग स्टॉक डिक्रीज होगा तो हमारा प्रॉफिट भी डिक्रीज होगा, जो कि हमने आगे लिखा है, एंड अकॉर्डिंगली प्रॉफिट वॉज डिक्रीज्ड बाय ₹16,000. क्लियर है? तो हम यही चीज बता रहे थे कि फर्स्ट पैराग्राफ में हम हमेशा कॉन्सेप्ट लिखते हैं और सेकेंड पैराग्राफ में क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट से कनेक्ट करते हैं. क्लियर? तो होपफुली ये क्वेश्चन का आंसर आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आया होगा और साथ ही साथ लर्न भी हो जाना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट पैराग्राफ में हम सिंपली ये कह रहे हैं कि जो हमने कॉन्सेप्ट सेशन में पढ़ा था वही चीज हमें यहाँ पे कॉपी करनी है, और सेकंड पैराग्राफ में सीधे सीधे कनेक्ट करना है. तो सेकंड पैराग्राफ को आप आराम से अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंगली मेंशन कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंगली वहां पे आंसर लेके आ सकते हो, बट फर्स्ट पैराग्राफ को आपको ऐसे ही रखना होगा. क्लियर? तो जल्दी से ये नोट डाउन करो, फिर हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 रीड कर रहे हैं. लिखा है एक्सप्लेन द मेथड्स और क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी. हम अगर किसी भी अकाउंटिंग पॉलिसी को चूज करते हैं, क्योंकि सिंपली हमारे पास बहुत सारे अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं, जैसे वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री के लिए लीफो भी है, फीफो भी है, वेटेड एवरेज मेथड भी है. तो इस क्वेश्चन में ये चीज पूछ रहा है कि अगर हम किसी भी पर्टिकुलर अकाउंटिंग पॉलिसी को चूज करते हैं, लेट्स से फीफो, तो हम किस बेसिस पे चूज करते हैं, किस क्राइटेरिया पे हम उसको चूज करते हैं. तो अगर आपको कॉन्सेप्ट सेशन याद हो तो हमने सिंपली बताया था कि अगर हम कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी चूज करते हैं जिसमें पहला था प्राइमरी कंसिडरेशन और दूसरा था सेकेंडरी कंसिडरेशन. प्राइमरी कंसिडरेशन मतलब सिंपली कोई भी ऐसी अकाउंटिंग पॉलिसी जिससे हमारी बुक्स में ट्रू एंड फेयर व्यू हम प्रेजेंट कर पाए, हम वही पॉलिसी चूज करेंगे. एंड सेकेंड हमने कंसिडरेशन दिया था किसको, जहां पे हमने 3 पॉइंट देखे थे, फर्स्ट इज प्रूडेंस, नेक्स्ट सब्सटेंस ओवर फॉर्म, एंड थर्ड इज मटेरियलिटी. होपफुली आप लोग को ये पॉइंट याद होगा. अभी हम पहले बोर्ड पे लिख लें, फिर हम लोग उसको डिस्कस भी कर लेंगे. क्लियर? तो देखो यहाँ पे लिखा है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, क्वेश्चन नंबर है 10, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज. अब देखो क्वेश्चन में जो पूछा है वही से हम लोग स्टेटमेंट कॉपी करेंगे. द मेथड्स और क्राइटेरिया यूज्ड फॉर द सेलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज आर अब देखो वैसे तो सिलेक्शन के टाइम ना हम सिर्फ सेकेंडरी कंसिडरेशन ही ऑप्ट करते हैं. रीजन बिंग प्राइमरी कंसिडरेशन तो आपको सब में मिल जाता है. आप चाहे लीफो फॉलो करो, चाहे फीफो फॉलो करो, चाहे वेटेड एवरेज मेथड फॉलो करो, ट्रू एंड फेयर पिक्चर तो आपको सभी में दिखेगी. बट स्टिल हम यहाँ मेंशन कर दे रहे हैं पॉलिसीज आर फर्स्ट प्राइमरी कंसिडरेशन, एंड सेकेंड सेकेंडरी कंसिडरेशन. सेकेंडरी कंसिडरेशन के भी हर एक पॉइंट को हम यहां मेंशन करेंगे. अभी फर्स्ट प्रूडेंस, नेक्स्ट सब्सटेंस ओवर फॉर्म, थर्ड मटेरियलिटी. अब देखो हमने यहां सीधे सीधे मेंशन कर दिया कि पहला तो प्राइमरी कंसिडरेशन है. प्राइमरी कंसिडरेशन मतलब कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी जिसके बेसिस पे हम अपनी बुक्स को ट्रू एंड फेयर व्यू दे पाए. क्लियर? और सेकेंडरी कंसिडरेशन में तीन चीज हम लोग को ध्यान रखनी होती है. पहला होता है प्रूडेंस, फिर होता है सब्सटेंस ओवर फॉर्म, फिर होता है मटेरियलिटी. प्रूडेंस मतलब सिंपली क्या, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट को फॉलो करे. एंड वॉट इज कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट? कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर हमारे बिजनेस में किसी भी तरह का कोई एंटिसिपेटेड फ्यूचर लॉस है तो हम उसको तो बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, बट अगर कोई एंटिसिपेटेड फ्यूचर प्रॉफिट है तो हम उसको इग्नोर करेंगे. क्लियर है?
तो हम उस अकाउंटिंग पॉलिसी को चूज करेंगे जो प्रूडेंस को फॉलो करे। दूसरा है सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सब्सटेंस ओवर फॉर्म मतलब जो लॉ से ज्यादा प्रायोरिटी एंड इम्पोर्टेंस किसको दे, एविडेंस को, मतलब हमारे सामने जो स्टेटमेंट्स दिख रहे हैं, हमारे सामने जो सबूत दिख रहे हैं, हम उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे कंपैरेटिवली लॉ के। अगर कोई अकाउंटिंग पॉलिसी इसको फॉलो करती है तो हम उसी अकाउंटिंग पॉलिसी को चूज कर लेंगे। एंड लास्ट है मटेरियलिटी, कि आपको ऐसी अकाउंटिंग पॉलिसी चूज करनी होती है जो मटेरियल चीजों को ही बुक्स में रिकॉर्ड करे, दैट इज मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट को फॉलो करे, कि सारे मटेरियल आइटम को तो वो बुक्स में रिकॉर्ड करेगी और जितनी इमटेरियल चीजें हैं उसको हम नलीफाई कर देंगे। तो कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी जो इन तीनों को फॉलो करती है, हम सबसे पहले प्रेफरेबली वही अकाउंटिंग पॉलिसी चूज करते हैं। अगेन हम इसको रिवाइज कर लेते हैं कि कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी जो एंटिसिपेटेड लॉसेस को बुक्स में रिकॉर्ड कर रही है, जो लॉ से ज्यादा एविडेंस को इम्पोर्टेंस दे रही है और जो मटेरियल आइटम्स को बुक में रिकॉर्ड करने के लिए हेल्प कर रही है, हम उन अकाउंटिंग पॉलिसी को पहले चूज करते हैं कंपैरेटिवली बाकी अकाउंटिंग पॉलिसीज के। क्लियर? तो हमने इतने डिटेल में इसलिए बताया क्योंकि एक बार मेरे साथ साथ ये चीज आपको लर्न भी हो जाएगी। अब देखो ये नोट्स कहाँ से कंप्लीट करना है, अगेन ये आप नोट से ही लिख लेना, जो पूरा हमने लाइन स्टेटमेंट लिखवाया, और इन तीनों को भी आप नोट्स में हमने जितना मेंशन कराया है वो यहाँ नोट डाउन कर लेना, क्योंकि सिर्फ नाम लिखने से एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलेगा। क्वेश्चन में अगर देखोगे तो बोला था एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ और क्राइटेरिया, तो आपको मेथड्स ऑफ क्राइटेरिया का सिर्फ नाम नहीं लिखना था बल्कि आपको उनको पूरा एक्सप्लेन भी करना है। तो एक्सप्लेनेशन हम यहाँ नहीं दे रहे क्योंकि सिंपली वो मेरे नोट्स में ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, तो वो वहां से आप कॉपी कर लेना। क्लियर? तो जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर हम लोग चलेंगे इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन पे। देखो ये जो लास्ट क्वेश्चन है, ना तो हम इस क्वेश्चन को रीड करेंगे ना ही इस क्वेश्चन का आंसर हम डिस्कस करेंगे। सिंपली ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, तो हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आपको टेलीग्राम चैनल पे भी अपडेट कर देंगे, तो एक बार आप वहां से भी आंसर चेक कर लेना। क्लियर? क्योंकि ऑलमोस्ट हमने सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं, सारे कॉन्सेप्ट हमने आपको बता दिए, हमने पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का आंसर कैसे लिखा जाता है। और मान लो हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 डिस्कस किया है, बट फैक्ट ये है कि सेम पैटर्न पे हम लोग सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ही आंसर लिखते हैं, कि फर्स्ट पैराग्राफ में हम लोग को स्टार्टिंग करनी होती है नंबर से, देन नाम से, और उसके बाद क्वेश्चन में जो भी कॉन्सेप्ट पूछा है इस पर्टिकुलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से उसके बारे में हम वहां मेंशन कर देते हैं। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में अगर हमारे पास जो क्वेश्चन दिया है वो केस स्टडी बेस्ड है, तो उस क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट से कनेक्ट करके हम सेकंड पैराग्राफ में मेंशन करते हैं। क्लियर? तो होपफुली ये पॉइंट तुम लोगों को समझ में आया होगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का आंसर कैसे लिखना है। एंड हमने क्लास के स्टार्टिंग में भी बोला था कि आइदर सीए इंटर स्टूडेंट और सीएमए इंटर स्टूडेंट, हर किसी के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑलमोस्ट 20-25% दैट इज 20-25 मार्क्स की कवरेज एग्जाम में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से होती है। ये वाला क्वेश्चन आप लोग नोट कर लो। बट उसके अलावा अगर आज के क्लास में आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछना। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।